हे गाइस, दिस इज दीपक ध्यानी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरल प्रोग्रामिंग में। आज हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट कोर्स के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि वेब डेवलपमेंट कोर्स करना चाहता हूँ, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, स्कोप कितना है इसका, कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, मुझे कौन सी लैंग्वेज पहले सीखनी चाहिए। तो इस सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेब डेवलपमेंट होता क्या है। वेब डेवलपमेंट वो कोर्स होता है जिसके थ्रू आप वेबसाइट बनाना सीखते हैं, ठीक। तो एक टाइप से एक प्रोग्रामर ही होते हैं जो आपकी वेबसाइट बनाने का काम करते हैं। तो कितने टाइप के वेब डेवलपर्स होते हैं, तो दो टाइप के वेब डेवलपर्स होते हैं, फ्रंट एंड वेब डेवलपर और बैक एंड डेवलपर। फ्रंट एंड वेब डेवलपर वो होते हैं जहाँ यूजर इंटरेक्ट करता है, जहाँ पर यूजर बातचीत करता है, जहाँ यूजर काम करता है, वो आपका फ्रंट एंड डेवलपर कहलाता है। जैसे आपने कोई भी वेबसाइट खोली, गूगल की वेबसाइट खोली, तो उसका फर्स्ट फॉर्म खोला आपने, या जहाँ पर आप सर्च करते हैं, सर्च बार को देखा, तो वहाँ पर आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो यूजर इंटरेक्शन वाला जो एरिया होता है वो फ्रंट एंड कहलाता है, ठीक। और बैक एंड होता है जहाँ पर यूजर कुछ नहीं करता है, उससे सारी चीज़ें हाइड रहती हैं, सीधे आपको काम मिल जाता है। अगर आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो आपको डेटा वहाँ से रिट्रीव होके मिल जाता है, मतलब डेटा आपका कहाँ है, डेटाबेस पे है, बैकएंड में है, आपको वहाँ पर मिल जा रहा है, आपको काम दिख नहीं रहा है, तो वो हमारा कहलाता है बैकएंड डेवलपर। तो अब बात करते हैं आपको फ्रंट एंड के लिए कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए और बैक एंड के लिए कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए। गाइस, आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, आप फ्रंट एंड बनना चाहते हैं, तो आपको HTML, CSS, JavaScript आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बिल्कुल बेसिक हैं। अब HTML क्या काम करती है, HTML आपकी कोई भी वेबसाइट की लेआउट बनाने का काम करती है। लेआउट मतलब ढांचा, अगर सरल शब्दों में कहें, वेबसाइट का एक ढांचा होता है, वो तैयार आपका HTML करेगा। और CSS आपका क्या करेगा, उसको एक सुंदरता प्रदान करेगा कि भाई यहाँ पर कलर कर दिया, यहाँ हाइट इतनी दे दी, मार्जिन इतनी दे दी, पैडिंग इतना दे दिया। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिसाइड CSS करती है। और जो JavaScript करता है आपका, वैलिडेशन का काम करता है कि ये यहाँ पर ये पासवर्ड वैलिडेट है या नहीं है, या ये यूज़र नेम ठीक है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती हैं। तो अगर आप फ्रंट एंड करना चाहते हैं तो आपको ये तीन लैंग्वेज सीखना मस्ट है, ज़रूरी है, इसके बिना आपका काम नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं बैक एंड के बारे में। अगर गाइस आप बैक एंड करना चाहते हैं, बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, PHP, पाइथन, रूबी, MySQL, तो ये कोई भी लैंग्वेज पे आप काम करके बैकएंड वेब डेवलपर बन सकते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं इसका स्कोप कितना है। इसका स्कोप वर्ल्ड वाइड है, कोई ऐसा लिमिटेड नहीं है कि आपके इंडिया में ही है, आपका अदर कंट्री पे भी आप काम कर सकते हैं। आपका बस स्किल ठीक होनी चाहिए, आपको नॉलेज अच्छी हो, तो आप बाहर के देशों में जाके भी काम कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी का क्या है, सैलरी आपके टैलेंट पर बेस्ड है, आपका टैलेंट कितना है, आपको लैंग्वेज पे कितनी पकड़ है, आपका कितने स्किल अच्छा है। जितनी आपकी स्किल अच्छी होगी आप उतनी सैलरी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, कि भाई वेब डेवलपर बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। आप आफ्टर 12th भी वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, आप कभी भी वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कितने बच्चे सोचते हैं कि मैं इस फील्ड का नहीं हूँ, क्या मुझे वेब डेवलपमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है, आप इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में, तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई भी काम नहीं है हम नहीं कर सकते, वो कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू।